21 अप्रैल से 27 अप्रैल तक के करंट अफेयर के वीकली सेशन में आप सभी का डीडी एकेडमी के तरफ से स्वागत है। देखिए इस ये केवल वीडियो ही नहीं है, इसके साथ मॉक टेस्ट भी है, पीडीएफ भी है और सबका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो तैयारी के लिए मैं बोल सकता हूं कि ये एक सर्वोत्तम अरेंजमेंट है। देखिए जैसे ही आप यहां जो करंट अफेयर का जो आपका लिंक दिया हुआ है उसे आप क्लिक करेंगे तो हर दिन का वीडियो आपको मिलेगा। नीचे ही आपको पीडीएफ फाइल है, उसके नीचे टेस्ट देने के भी है। और टेस्ट देने के लिए आप अगर मेरे से रजिस्टर्ड नहीं है तो भी आप 1234 यूजर नेम में डाल दीजिए, पासवर्ड में 1234 डाल दीजिए, टेस्ट दे दीजिए। तो याद रखेंगे कि अगर करंट अफेयर जिसमें 4 से 5 मार्क्स आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, इसे अगर ठीक से तैयारी करना है तो मॉक टेस्ट पेपर को आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। तो चलिए अब फटाफट करंट अफेयर के वीकली सेशन को शुरू करते हैं। पहला है पुरुष क्रिकेट मैच में विश्व का प्रथम महिला अंपायर किस देश की बनी। आप जानते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया की बनी है, इनका नाम है क्लेयर पोलोसॉक। क्लेयर पोलोसॉक है इनका नाम, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 87% मुस्लिम आबादी वाले किस देश ने रामायण पर डाक टिकट जारी किया। जी हाँ, एकदम सही सोचा, इंडोनेशिया है। 70 साल के भारत के साथ काफी अच्छे संबंध के एवज में उन्होंने रामायण की थीम पर इंडोनेशिया ने, जो 87% मुस्लिम बहुल आबादी है, उन्होंने डाक टिकट जारी किया है। और इस डाक टिकट में सीता को बचाने की जटायु की बहादुरी से लड़ते दिखाया गया है। नेक्स्ट आते हैं, पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को भाजपा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा है। तो वो पूर्वी दिल्ली है और ये भाजपा से हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, विश्व का पहला तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट का सफल परीक्षण। तैरता हुआ फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में है, रूस में है, आपने इसे कवर भी किया हुआ है। अब नेक्स्ट में आते हैं, हाल ही में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किस देश पर 1,70,000 यूरो का भारी जुर्माना लगाया है। वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया है, आप इसे पहले भी जान चुके हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, सोलर पावर से किस शहर में मेट्रो ट्रेन चलाई गई है। तो ये पहले दिल्ली में हमारे देश में चलाई गई है, यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से केंद्रीय सचिवालय तक 18 अप्रैल को सोलर पावर से पहली मेट्रो ट्रेन चली है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, हाल ही में किस देश में सीरियल ब्लास्ट पर चर्च पर किया गया। तो ये श्रीलंका में है, रविवार को हुआ था, आप इसे जानते हैं। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, दुनिया की एकमात्र पायलट किस देश का है जो पुराने MiG-21 बाइसन विमान से अमेरिका का सर्वप्रसिद्ध F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। तो वो भारत है और हम जानते ही हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन ये दुनिया का एकमात्र पायलट है जिसने 4th जनरेशन के प्लेन से 6th जनरेशन के प्लेन को मार गिराया। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश करेगा। आप जानते हैं कि G20 जो 2020 में होगा, सऊदी अरब जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इसके पहले जो हुआ था अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था, जानते ही हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2019 में भारत का विश्व में क्या स्थान है, बहुत ही खराब है, 140वां देश है, जबकि 180 देश टोटल हैं जिसमें 140वां स्थान है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, नासा की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट किसका निधन हो गया, जेरी कॉब का। ये नासा की पहली एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट थी जेरी कॉब। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे लंबे तक नॉन स्टॉप चेस खेलने का रिकॉर्ड हाल ही में किस देश ने बनाया। तो ये आपका भारत ने बनाया, पहले 50 घंटे का रिकॉर्ड था पोलैंड के पास, हमने 53 घंटे 17 मिनट 49 सेकंड में
नॉन स्टॉप चेस खेलने का रिकॉर्ड बनाया गया, हंसराज ठाकुर और हितेश आजाद ने बनाया। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी की 300% अधिक वृद्धि, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 के जनवरी से मार्च महीने तक किस बीमारी को 3 गुना बढ़ते हुए देखा है, तो वो खसरा मिसेल्स है, जिसको सबसे ज्यादा 170 देश में से 163 देश में इसके 112,163 केस सामने आए हैं, जबकि पिछले साल केवल 28,124 था। नेक्स्ट न्यूज आते हैं, डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का खिताब भारत के हर्षिल दानी ने किस खिलाड़ी को हराकर किया है, तो वो है मैट्स क्रिस्टोफर्सन। ये आपका खेल जो है नीदरलैंड के द हेग में हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है, भारत में ओडिशा में परीक्षण रेंज में निर्भय जो है, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप डिजाइन और विकसित सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता कितना है, वो 1000 किलोमीटर है। नेक्स्ट आते हैं, IPL में किस भारतीय गेंदबाज ने 150 विकेट लेकर पहला भारतीय गेंदबाज बन गया, और वो यह है अमित मिश्रा। इसे भी हम कवर कर चुके हैं, आप इसके बारे में अवश्य जानते हैं। ये 18 अप्रैल को ये हुआ था कि 150 विकेट उस दिन उन्होंने अमित मिश्रा ने लिया था। Welcome to DD Academy. First click the subscribe button and also click the bell button. After you will get every video update notification. CBSE ने किस वर्ष से 10वीं क्लास के दिव्यांग विद्यार्थियों को परीक्षा में विजुअल एड की अनुमति दी है, ये 2020 से है। इसमें जो भी दिव्यांग है वो जो है अब टेक्स्ट मैटर को बड़ा करके पढ़ सकेंगे, जिसके लिए पोर्टेबल वीडियो मैग्नीफायर और आवर्धक चश्मा दिए जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, एशियन टी एसोसिएशन का हाल ही में लॉन्च जो है वो किस देश में किया गया है, ये श्रीलंका में किया गया है। और नेक्स्ट आते हैं, खूनी बैसाखी के लेखक कौन थे। देखिए, ये 1919 में जालियांवाला बाग जब कांड हुआ था, तो नानक सिंह करके एक बंदा वहां पर था, उस वक्त उन्होंने पूरा का पूरा इसको काव्य में चित्रण किया था, लेकिन अंग्रेजों ने इस बुक्स को बैन कर दिया था। तो इस साल जो है 99 साल के बाद जो है खूनी बैसाखी का प्रकाशित हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं, क्विचोटे नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया। आप जानते हैं, यह सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। ये डॉन क्विक्जोट से प्रेरित होकर सलमान रुश्दी ने इसे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, बाली में माउंट अंगुग ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है। एकदम सही है, माउंट अंगुग कंगरंग सेम जिले में स्थित है और पर्यटन स्थल कुटा से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पे है। ये दोनों ही जो है वो सत्य है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, गृह मंत्रालय के मुताबिक देश भर के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 से जोड़ चुके हैं, तो 20 जो है राज्य और केंद्र शासित एरिया अभी तक ये 112 इमरजेंसी नंबर से जुड़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांड में सबसे प्राचीन अणु हीलियम हाइड्राइड आयन की खोज किया है। एकदम सही है, और ये खोज करने वाला है नासा की उच्च उड़ान वाली सोफिया, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर ऑब्जेक्टरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। इसने एक निहारिका से ये जो है हीलियम हाइड्राइड आयन का खोज किया है, और सोफिया जो है उसे नासा और जर्मन एयरस्पेस ने दोनों ने मिलकर बनाया है। तो मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट एकदम सही हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, नौसेना ने परियोजना 15B के तहत निर्देशित मिसाइल विनाशक INS इम्फाल को लॉन्च किया है। एकदम सही है, इसका नामकरण 75 वर्ष पहले
इम्फाल और कोहिमा के बीच लड़ाई पर किया गया है, ये भी सही है। मतलब 15B इम्फाल जो लॉन्च हुआ है, ये एक मिसाइल विनाशक है और इसका नामकरण जो इम्फाल रखा गया है वो उस नाम के चलते रखा गया है जो 75 वर्ष पहले कोहिमा और इम्फाल के बीच में लड़ाई हुआ था उसके याद में। अब नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में किसे पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सुनील कुमार गौतम जी हैं। इन्होंने आपका जो है संविधान को जो है कविता के रूप में, काव्य के रूप में प्रकाशित किया है, नाम दिया है संविधान काव्य, जिससे लोगों को आसानी से संविधान के रूल्स वगैरह याद रह जाए। अब नेक्स्ट आते हैं, 77 साल बाद किस मर्चेंट नेवी मालवाहक जहाज का मलवा 77 साल बाद मिला है, और वो जहाज किस देश का था जिसे 1942 में जापान द्वारा निशाना किया गया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो है ये मालवाहक जहाज था जिसका मलवा 77 साल बाद मिला हुआ है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में 1942 में था, और बोला जाता है कि जिसमें उस वक्त जहाज में 38 लोग थे, केवल 5 शेष चालक दल को छोड़ के सबकी मौत हो गई थी, और ये जो मर्चेंट जहाज था उसको डूबने में केवल 1 मिनट 60 सेकंड लगा था। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका ने ईरान तेल पर भारत के लिए छूट समाप्त कर दी है, ये एकदम सही है। भारत और 7 अन्य देशों के लिए 180 दिन की अवधि के लिए नवंबर 2018 को छूट दी गई थी जो 2 मई को समाप्त होने वाली है। जी हाँ, ये भी एकदम सही है। तो इनमें से दोनों ही कथन सही है, लेकिन चलिए थोड़ा सा जान लें कि ये 7 देश कौन कौन है जिनको 2 मई से वो ईरान से तेल नहीं ले पाएंगे। वो है भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और तुर्की। इन पे और इटली, ग्रीस और ताइवान, इन तीनों पर भी ये बैन था है, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी जो है ईरान से तेल लेना एकदम बंद कर दिया है। अब थोड़ा ईरान की इस के खिलाफ अमेरिकी का प्रतिबंध क्या है, क्योंकि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो बोला जाता है कि विश्व में कोई भी उसकी समर्थन नहीं करता है, अमेरिका तो करता ही नहीं है, जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध के तौर पे कोई भी देश ईरान से कोई विमान खरीद बेच नहीं कर सकता है, तेल की खरीद बेच नहीं कर सकता है, कल पुर्जों की खरीद बेच नहीं कर सकता है, यही प्रतिबंध लगा हुआ है, याद रखेंगे, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा लगाया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, किस आतंकी संगठन ने कोलंबो में हुए विनाशकारी बम विस्फोटों का जिम्मेदारी लिया हुआ है? ये इस्लामिक स्टेट है। इस्लामिक स्टेट ने रविवार को जो चर्च में जो सीरियल धमाका हुआ उसकी जिम्मेवारी लिया हुआ है। अब नेक्स्ट आते हैं, एशियन चैंपियनशिप बॉक्सिंग के सेमीफाइनल में पहुंचकर लगातार 4 पदक जीतने वाले भारतीय मुक्केबाज कौन है? जी हां, 4 पदक उन्होंने जीता हुआ है लगातार, ये है शिवा थापा। शिवा थापा जो है ये 60 किलोग्राम वर्ग के क्या कहते हैं मुक्केबाज हैं। अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले के 29वें संस्करण में किस देश को अतिथि के रूप में नामित किया गया है? तो हाँ, ये भारत को अबू धाबी अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला अर्थात ADIBF के 29th संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भारत को नामांकित किया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, भारतीय सेना ने सैन्य पुलिस के कोर में भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करके महिलाओं को किस रूप में शामिल करने की प्रक्रिया को पहली बार शुरू किया है? 2 अधिकारी नहीं, अर्ध अधिकारी नहीं, तकनीकी अधिकारी नहीं, पहली बार जो है भारतीय सेना सैन्य पुलिस में जवान महिला मतलब जवान के रूप में महिलाओं का रिक्रूटमेंट कर रहा है, और इनका सोच है कि अगले क्रमबद्ध तरीके से अगले 5 साल में टोटल जो जवान फोर्स हैं उसमें 20%
महिलाओं की सेना को बनाने का है। अब नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। मलेरिया वैक्सीन लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? ये मलावी है। मलावी जो है यहाँ पहला जो है मलेरिया का वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद घाना और केन्या पे दूसरे चरण पे ये इस्तेमाल होगा। आप लोगों ने समय दिया इस वीकली कार्यक्रम के लिए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले फिर से बोलूंगा कि देखिए इसका लिंक जो है आपका नीचे दिया हुआ है, एवं ये अति महत्वपूर्ण है अगर आप सही में करंट अफेयर के 5 से 6 मार्क्स को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। क्योंकि याद रखेंगे, टेस्ट देकर ही, बार बार टेस्ट देकर ही चीजों को याद किया जा सकता है। अब से साप्ताहिक टेस्ट भी शुरू हो चुका है और आगे मंथली टेस्ट, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जब ये आपको अपॉर्चुनिटी मिला हुआ है, बस सवाल है, मैंने आपके लिए बना है, आप इसे इस्तेमाल करें और संपूर्ण रूप से लाभान्वित हो। आपने समय दिया, इसके लिए फिर से आप लोगों को धन्यवाद। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।